हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इट इज बिकम ए डॉक्टर। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड इज और फोर्थ आर। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन बना है। देखिए दिख रहा है आपको वन ऑफ, जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए वन ऑफ, तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो हमेशा करेंगे प्लूरल। तो बिल्कुल राइट है, इसमें प्लूरल हुआ है, देखिए पीछे एस लगा हुआ है। और उसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, सर प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगी ना, पर ध्यान रखना यहाँ पे वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर, तो हमारा प्लूरल दोनों गलत हो जाएगा, हैव भी नहीं आएगी और आर भी नहीं आएगी। अब हैज लगा है, इज लगा है, देखिए पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिकम बिकेम और बिकम, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैज, क्योंकि इज के साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ बिकम ए डॉक्टर, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर बन गया। तो नोट डाउन कर लेना, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखेगा वन ऑफ, तो उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज़ करेंगे प्लूरल ही करेंगे, और उसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि वन ऑफ सिंगुलर है इसलिए हमने यूज़ करी है हैज, वर्ब भी आएगी सिंगुलर। मतलब होता क्या है कि ये प्लूरल है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो रटने वाला बच्चा गलत करके आ जाते हैं, ये प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट है आपका, द पुअर डेज ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज और सेकेंड आर, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। देखिए जब भी आपको एडजेक्टिव दिखे और एडजेक्टिव के पहले अगर हमने आर्टिकल द लगा दिया, तो वो एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना आप। तो ये किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे गरीब की बात हो रही है, किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे ही मैंने पुअर के आगे द लगाया तो सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे गरीब की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, आई हैव अ कार। आपको बताना है ये सेंटेंस है किस टेंस का है। फर्स्ट है प्रेजेंट इनडेफिनेट, सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड है पास्ट इनडेफिनेट और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं हैव देख के। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट, सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या पजेसिव वर्ब है, यहाँ पे पजेसन शो हो रहा है यहाँ से, मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक कार है। हैज और हैव देख के हमेशा हम परफेक्ट के लिए जाते हैं, पर ध्यान रखना हैज और हैव के बाद जब आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी तो हम जाएंगे परफेक्ट के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म दिख रही है आपको, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपके सामने, राहुल इज गुड डैश इंग्लिश, राहुल इंग्लिश में अच्छा है। चार ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इन, सेकेंड एट, थर्ड ओवर, फोर्थ इन टू। देखिए अगर आप क्वेश्चन की हिंदी करोगे तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो, राहुल इंग्लिश में अच्छा है तो इसके लिए हम लगा देंगे इन, बट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एट। गुड के साथ जब भी आपको प्री पोजिशन लगाना हो तो आप लगाएंगे एट, नोट डाउन कर लेना है, फिक्स प्री पोजिशन है, गुड के साथ हम एट ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इट हैज़ बिन रेनिंग जस्ट टू आवर्स, दो घंटे से बारिश हो रही है। देखिए इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत से बार क्वेश्चन बनते हैं सिंस और फॉर के, जब भी हम देखेंगे पीछे क्या दिया हुआ है, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम जाएंगे फॉर के साथ में, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो हम जाएंगे सिंस के साथ में। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, दो घंटे से बारिश हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर टू आवर्स, दो घंटे से बारिश हो रही है। ये नीचे वाला देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मंडे कर दिया इन्होंने, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा सिंस, ध्यान रखना। अभी संडे मंडे कोई भी डे दिख जाए, कोई भी स्पेसिफिक तारीख दिख जाए, आपको डेट दिख जाए, तो फिर हम सिंस के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ आई कम भोपाल आई डैश यू, यदि मैं भोपाल आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। फर्स्ट है मीट, सेकेंड है मेट, थर्ड है विल मीट, फोर्थ है विल मेट। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत सी बार क्वेश्चन बना है इस कॉन्सेप्ट से। इफ के साथ अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो हम जो बाद वाला क्लोज में यूज़ करेंगे विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ये नोट डाउन कर लेना, जब भी आपको इस वाले इफ वाले क्लोज में फर्स्ट फॉर्म देखिए तो बाद वाला जो क्लोज आएगा जहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मॉडल चेंज भी हो सकता है, विल के साथ कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, बट वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बट मॉडल वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी। दिख रही आपको कम हिंदी मतलब जरूर हो जाएगा कि यदि मैं भोपाल आऊँगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, दोनों सेंटेंस में गाय के ही आ रहा है, बट एक को मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट में रखना पड़ेगा और एक को रखना पड़ेगा फ्यूचर सिंपल में। अ रेड एंड ब्लैक हॉर्स डेज ग्रेजिंग इन द फील्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज और सेकेंड आर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में उससे बार क्वेश्चन बनते हैं। दिख रहा है आपको एंड, एंड से जब हम दो नाउन जोड़ते हैं तो हमेशा प्लूरल रहता है, तो क्या यहाँ पे प्लूरल है क्या है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इज। अ रेड एंड ब्लैक हॉर्स, एक लाल और काला घोड़ा। देखिए यहाँ पे घोड़ा एक ही है, ये ध्यान रखना, या दो घोड़े नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक लाल अलग है और काला अलग है, घोड़ा एक ही है, उसके दो कलर है। हम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला एक ही घोड़ा है? देखिए यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ है एक, रेड के साथ ही आर्टिकल यूज़ हुआ है, ब्लैक के आगे कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने, मतलब घोड़ा एक ही है वो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इज। रेड एंड ब्लैक हॉर्स डेज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैदान में चल रहे हैं भैया, एक काला और एक सफ़ेद घोड़ा, मतलब घोड़ा एक ही है, उसके दो कलर है, लाल भी है और काला भी है। नेक्स्ट आप देखिए अ रेड एंड अ ब्लैक हॉर्स, देखिए यहाँ पे मैंने आर्टिकल दोनों जगह लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया, सेंटेंस वो का वही है बट यहाँ पे मैंने केवल आर्टिकल ऐड करा है। अब बताइए कौन सा राइट रहेगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, अ रेड एंड अ ब्लैक हॉर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे दो घोड़े हो गए, एक घोड़ा है लाल और एक घोड़ा है काला, और इससे पहले वाले में घोड़ा एक ही था लेकिन उसके दो कलर थे। अब यहाँ पे हमें दो दोनों जगह आर्टिकल लगे हुए मिल रहे हैं इसलिए दो घोड़े हो गए, तो ये प्लूरल हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट आप अ टीम ऑफ डॉक्टर्स डेज रीच्ड इन हॉस्पिटल, डॉक्टरों की एक टीम पहुंची हॉस्पिटल में, फर्स्ट ऑप्शन हैज, सेकंड हैव, थर्ड इज और फोर्थ आर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज। हैव और इज और आर क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना वन ऑफ, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे, टीम ऑफ डॉक्टर्स, तो नाउन तो प्लूरल है बट यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, अ टीम के अकॉर्डिंग, अ टीम सिंगुलर है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैज। हैव आएगा नहीं, प्लूरल है, आर भी नहीं आएगा। अब इज क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इज के साथ हम यूज़ करते हैं आइंज वाली फॉर्म। डॉक्टरों की एक टीम पहुंची हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है आपका द पुलिस डेज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। बताइए हेज आएगा हेव आएगा? देखिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, जो नाउन यूज़ हुआ है पुलिस, अगर आपको पता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है तो आसानी से बता दूंगा आप, ठीक है? पुलिस जो है प्लूरल है, नोट डाउन कर लेना आप, तो इसलिए हम लगाएंगे हेव, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, नोट डाउन कर लेना। पुलिस, पीपल, केटल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सब वर्ड प्लूरल है, इनके पीछे एस नहीं लगा रहा था लेकिन ये सब प्लूरल है, दिखता सिंगुलर है और इनका उपयोग जो हम करते हैं सब प्लूरल सेंस में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गुड बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।